हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैं हूं आपका भाई हर्ष कहार और आज है 20 जुलाई और मैं हूं अभी वडोदरा में। और फ्रेंड्स, अभी हम वडोदरा से जा रहे हैं अहमदाबाद और बहुत ही एक स्पेशल इवेंट के लिए। सही में मतलब ये आज का दिन बहुत मेमोरेबल होने वाला है और आज ये पूरा व्लॉग भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा एंजॉयबल होने वाला है। और ये क्लिप मैं अलग से इसलिए शूट कर रहा हूँ कि जब हम यहाँ से वडोदरा बस स्टेशन से हम अहमदाबाद के लिए गए ना वॉल्वो बस में, तब मैंने एक क्लिप शूट की थी बट वो अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गई। सो इस वजह से मुझे अलग से शूट करना पड़ रहा है। तो हम वडोदरा से अहमदाबाद निकले थे मॉर्निंग में 10:30 बजे की बस से और वहाँ अहमदाबाद में हम पहुंचे थे ऑलमोस्ट 12:30-1 बजे। तो चलो आगे का व्लॉग एंजॉय करो। 2 hours later. Now it's 1 in the afternoon और हम पहुंच चुके हैं अहमदाबाद फाइनली। अभी हम नेहरू नगर बस स्टॉप पे उतरे हैं। बहुत अच्छा एरिया है, मतलब फर्स्ट टाइम हम ये एक्सप्लोर कर रहे हैं। नहीं तो इसके पहले हम है ना वहाँ पे गीता मंदिर पर उतर जाते थे और दूसरी बार तो हम बाय कार ही आए हैं खुद से। सो चलो अब यहाँ से सीधा अल्फा मॉल चलेंगे, तो जल्दी से कोई कैब बुक करते हैं। हाँ, खाना खाएंगे और कुछ शॉपिंग करेंगे, बर्थडे आ रहा है मेरा तो शॉपिंग करनी बनती है। आफ्टर दी शॉर्ट राइड 10 मिनट्स राइड अभी हम पहुंच चुके हैं अल्फा वन मॉल। चलो अब जल्दी से अंदर चलते और एक्सप्लोर करते हैं, बहुत भूख लगी हेमराज को भी। हमने चटोरे में से छोले भटूरे ऑर्डर किए और वो आते हैं तो उसको मतलब खा के फिर मॉल को एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि भूख सही में बहुत ज़्यादा लगी है। मैं भी। अब आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं मेरे को पता नहीं, बट अभी बार बार मैं माइक कहाँ लगाऊँ यार, तो मैंने सोचा कि चलो रहने दो। फ्रेंड्स, अभी हमने लंच कर लिया है, छोले भटूरे खाए, बहुत अच्छा टेस्ट था। मतलब चटोरे तो वडोदरा में भी हमको वो पहले से बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अगर आपने ना ट्राई किया हो तो ज़रूर ट्राई करो। हाँ, चटोरे छोले भटूरे। और अभी है ना हम यहाँ पर जस्ट एक्सप्लोर करेंगे, शॉपिंग करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। चलो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, मज़ेदार। A few moments later. तो फ्रेंड्स देखो, हिमराज का आउटफिट चेंज हो गया है, कैसी लगी? और ज़्यादा फिट। और हम तो है ही वैसे रेडी हो के आए थे, तो कोई बात नहीं। अभी हम यहाँ मॉल से निकल रहे और जा रहे हैं हयात रेगेंसी के लिए, क्योंकि अभी 2:45 हो गए, 3 बजे का इवेंट है, तो ऑलमोस्ट 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। फाइनली अभी हम हयात रेगेंसी पर आ चुके हैं और हमारा 3 to 7 वाला स्लॉट है, तो चलो अब जल्दी से अंदर चलते हैं और एंजॉय करते हैं पूरा इवेंट, बहुत मज़ा आने वाला है। सो एक्साइटेड। फाइनली वी आर हियर एट द इवेंट। मतलब बहुत बड़ा डाउट था, वो मैं इवेंट के बाद आपको वीडियो में एंड में बताऊंगा, बट सही में मतलब जब भगवान हमारे साथ होता है ना, जब हमारा मन अच्छा होता है तो हमको कोई चीज़ रोक नहीं पाती। हर हर महादेव, जय राजा रणछोड़। सो फाइनली आई हैव गॉट द बैंड एंड गॉट द स्टैम्प। उसकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। सो नाउ कम, लेट्स गो इनसाइड एंड आई विल जस्ट शो यू सम ग्लिम्स ऑफ दिस इवेंट। आप ये पीछे लाइन देख रहे हो ना, यहाँ पे अभी थोड़ा रिफ्रेशमेंट मतलब ब्रेकफास्ट चल रहा है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे इवेंट है पूरा, राइट साइड में सॉरी। तो हम सोचते हैं रिफ्रेशमेंट लेना है या नहीं, तो थोड़ा खा लेते हैं थोड़ा। फ्रेंड्स, फाइनली वी आर हियर इन द मेन इवेंट एरिया और सही में मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा सा सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। राउंड टेबल में हर एक 6-6 क्रिएटर का सिटिंग अरेंजमेंट है और मेरा और हिमराज का मतलब देखो, खाना थोड़ा छोड़ दो ना तो आपको पहला टेबल मिलता है। हाँ, तो बिल्कुल खाना नहीं खाया है। हाँ, तो हम बिल्कुल है ना, देखिए ये स्टेज है, स्टेज के बिल्कुल सामने ही बैठे हैं। सही है, बहुत मजा आएगा इवेंट में। अब आओ, मैं बोला इतना भीड़ में क्यों आ रहे थे। हाय
लास्ट टाइम भी हमने मतलब वीडियो में आए थे, थैंक यू सो मच। अरे फिर से आया ऐसा लगा फिर से 6 महीने बाद मुलाकात और हो गई। इस बार भी देखो फुल ब्लैक सब मैच। हां लास्ट टाइम भी यही था, ब्लैक इज आवर फेवरेट कलर। सही में ना हो तो और हम हो तो पक्का ही ब्लैक ही बन जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब हमेशा मिलकर मजा आती है। बट अभी डिनर है यहाँ पे, प्रॉपर डिनर, और सही में मतलब बहुत वैरायटीज का डिनर है। सो स्टार्टर में आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास पनीर टिक्का है, हरा भरा कबाब है और हनी चिली पोटैटोस है। मतलब बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। यहाँ मैं फूड ब्लॉगिंग चालू नहीं करने वाला हूँ, बट भूख लगी है, मैं खा रहा हूँ। और यहाँ पर पिकल्स वगैरह का ऑप्शन है, प्राइम्स, पापड़ और जो भी रॉ वेजिटेबल्स है वो है। A few moments later. यहाँ से हमको इस तरह का YouTube हैम्पर मिला है। ये अभी हम ओपन नहीं करेंगे, घर पे आके ओपन करके आपको बताएंगे। Later that same evening. Finally इवेंट खत्म होने के बाद हम हमारी फेवरेट जगह, हम जब भी अहमदाबाद आते हैं तो ये जगह पे हर बार आते हैं, रिवर फ्रंट। मतलब पता नहीं, कुछ अलग ही ऑप्शन है हम दोनों को, मतलब बहुत ज्यादा पसंद है। और स्पेशल वडोदरा में भी कुछ रिवर फ्रंट जैसा करो यार, बीच रिवर फ्रंट बनाओ, नदी के ऊपर बनवाना पड़ेगा। बनवाओ, मैं इनिशिएटिव लेता हूँ, बनवाओ, कमेंट करो नीचे। मैं आपको बता रहा था ना कि आज हमारे उसमें हुआ ऐसा था कि जब हमको एक महीने पहले यहाँ का जो रजिस्ट्रेशन मतलब जो इनवाइट होता है ना, तो इनवाइट के लिए एक रजिस्टर करना पड़ता है। तो हमने इनवाइट के लिए रजिस्टर मैंने हेमराज और हम दोनों के जीमेल पर से किया था, तो हम दोनों को कन्फर्मेशन आ गया था, स्पॉट कन्फर्मेशन। बट उसके बाद जो हम लास्ट टाइम आए थे ना, तो ये वाला इवेंट उससे ज़्यादा बड़ा था और बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो इस बार इन्होंने क्या किया कि एक चैनल से एक ही क्रिएटर को अलाउ किया, तो जो एक्सेस कोड वाला ईमेल था ना वो सिर्फ मुझे आया, हेमराज को नहीं आया। बट स्पॉट कन्फर्मेशन का ईमेल दोनों को आया था। तो हमारे लिए सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ये थी कि वहाँ पर जाके मतलब क्या होगा, हेमराज को एंट्री मिलेगी या नहीं, सिर्फ मुझे एंट्री मिलेगी, क्या होगा, क्या सीन होगा। तो हम बहुत दिनों से वो सोच रहे थे, तो हम थोड़ा इफ एंड बट्स में भी थे कि जाना चाहिए या नहीं ऐसा वगैरह सब। ये तो हर्ष तो नहीं बोल रहा था कि मेरे बगैर नहीं जाएगा वो। हाँ मैंने क्लियरली बोला था हेमराज को कि देख, अगर तेरे कहने पर मैं अहमदाबाद जा भी रहा हूँ और इफ वहाँ पे जाकर ऐसा होता है इन केस के तुझे एंट्री नहीं मिलती और मुझे मिलती है, तो मैं अंदर नहीं जाऊँगा, बस बात खत्म। दोनों सिचुएशन के लिए रेडी थी और सबसे पहले मुझे तो पॉजिटिव वाइब्स आ ही रही थी कि नहीं दोनों का ही हो जाएगा, क्योंकि मुझे आया था कोर्ट कंफर्मेशन का मेल। बट तो भी मैंने माइंड में सोच कर रखा था कि इन केस अगर मुझे नहीं जाने देंगे, अगर मुझे एंट्री नहीं मिलेगी, तो मैं हर्ष को कैसे भी भेज दूं। चैनल में से एक क्रिएटर को ही अंदर परमिट किया, किसी को भी नहीं, किसी और को नहीं आने दिया। चल पहले तू अपना ईमेल बता कि भाई मेरा स्पॉट ऑलरेडी कंफर्म है, तो हेमराज ने उसका ईमेल बता दिया, तो दोनों को एंट्री अंदर अलाउ कर दी। मीन्स मेरे पास तो ईमेल था ही और हेमराज का भी ऑलरेडी स्पॉट रिजर्व था, तो हम दोनों की एंट्री हो गई। और ये सारी चीज़ें मतलब भगवान के और हमारे अच्छे कर्म के वजह से ही पॉसिबल हो पाती है। मतलब हमारे महादेव, हमारे राजा रणछोड़ जी ने ये सारी चीज़ें पॉसिबल की है। ये सारी क्रोनोलॉजी में चलता है, पता है, अगर मैंने उस टाइम पे रजिस्टर ही नहीं किया होता, अलग अलग जीमेल से स्पॉट कंफर्मेशन का ईमेल नहीं आता, तो आज ये चीज़ नहीं हो पाती। मीन्स के भगवान ने हमारे लिए जो कुछ भी करते ना, भगवान हमारे लिए अच्छा ही करते और हमारे लिए अच्छा ही सोच के करते हैं। सिंगल एफर्ट भी नहीं डालना पड़ा, सही है, डायरेक्टली हो गया, जरा भी आर्गुमेंट नहीं करनी पड़ी, डायरेक्टली अलाउ कर दिया। लाइफ में आपके कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, कितने भी टेंशन आए, बट ऐसा आप सोचो कि भगवान ने जो आपके लिए किया है ना, वो आपके अच्छे के लिए किया है, बेस्ट किया है। फ्यूचर में आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होगा उस चीज़ के लिए, तभी भगवान ने किया है। तो सही में उनके प्लान्स पर हमेशा विश्वास करो, मैं तो करता हूँ। और पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो।